अस्सलामु अलैकुम व्यूअर्स, आज हम बनाने जा रहे हैं ब्रेड पिज़्ज़ा। इसलिए हमने लिया 250 ग्राम बोनलेस चिकन, 7-8 ब्रेड, सेजवान चटनी, पिज़्ज़ा सॉस, 1 चम्मच लाल मिर्च, 1/2 चम्मच काली मिर्च पाउडर, 1/2 चम्मच जीरा पाउडर, 1/2 चम्मच नमक और ये मोज़रेला चीज़ लिए और एक बड़ी साइज की शिमला मिर्च लिए और 7-8 प्याज लिए। अब हम इनको बारीक काट लेंगे। हमने शिमला मिर्च और प्याज को बारीक बारीक काट लिया है। हमने गैस ऑन कर दिया है और अब हम 1 बड़ा चम्मच ऑयल डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हमारा ऑयल गर्म हो गया है अच्छे से। अब हम अपनी चिकन डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम अपनी चिकन को अच्छे से तलेंगे और 10 मिनट के लिए ढक देंगे। 10 मिनट हो चुकी है। अब हम चिकन को चेक करेंगे। चिकन अच्छे से गल गई है। अब हम इसमें शिमला मिर्च डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसको अच्छे से हिलाएंगे। दो तीन मिनट तक इसको अच्छे से तल लेंगे। अब हम इसमें प्याज डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम इसे अच्छे से तल लेंगे। फिर इसमें हम मसाले डालेंगे। अब हम अपने मसाले डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और 2 चम्मच पिज्जा सॉस डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और अच्छे से हिला लेंगे। माशाल्लाह, ये मसाले की बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है और ये मसाला बस तैयार ही होने वाला है। 5 मिनट तलने के बाद गैस को ऑफ कर देंगे हम। अब हमने गैस ऑफ कर दिया है और अब हम अपने मसाले को ठंडा होने के लिए बाउल में निकाल देंगे। ठंडा होने तक रह देखेंगे, नहीं तो हमारे ब्रेड नरम हो जाएंगे। अब हमारा मसाला अच्छे से ठंडा हो गया है और हम ब्रेड पर सबसे पहले सेजवान चटनी लगाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फिर हम अपने ब्रेड पर पिज़्ज़ा सॉस लगाएंगे। हमने सेजवान चटनी इसलिए कम लगाई क्योंकि ये बहुत ही तीखी होती है। अब हम पिज़्ज़ा सॉस लगाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हमने सब पर पिज़्ज़ा सॉस लगा लिया है। इंशाल्लाह आप भी एक बार ये ट्राई करना, ये बहुत ही अच्छी डिश है। बच्चों के तो फेवरेट डिश होती है ये। आप भी एक बार इंशाल्लाह, बहुत अच्छी बनेगी आपसे भी। अब हम मसाला डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इस पर चीज़ डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमने मोज़रेला चीज़ यूज़ करी है। हम इस पिज्जे को ओवन में नहीं बनाएंगे, पैन में बनाएंगे। 1 टेबल स्पून ऑयल डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इस पिज्जे को इस पर रख देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
और हम इस पैन को बंद कर देंगे। 5 मिनट तक हमने इसे मीडियम फ्लेम पर रखा था। अब हम इसे खोलकर देखेंगे। माशाल्लाह हमारा ब्रेड पिज़्ज़ा कितना खूबसूरत लग रहा है। अब हम इसे प्लेट में निकालेंगे। आप इस ब्रेड पिज़्ज़ा पे टोमेटो सॉस भी डालकर खा सकते हैं। हमें तो यूं ही पसंद है। माशाल्लाह बहुत ही क्रिस्पी बना है हमारा ब्रेड पिज़्ज़ा। देखिए कितना माशाल्लाह बना है। आप भी एक बार ये ब्रेड पिज़्ज़ा को ट्राई कीजिए, इंशाल्लाह बहुत टेस्टी बनेगा। और इसी तरह हमारे चैनल पे बने रहिए और इसी तरह हम लोग न्यू रेसिपी आप पर भेजते रहेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।